दोस्तों रेडमी हाल ही में लॉन्च किया रेडमी 11 सीरीज फोन को इंडिया में, तो अभी लीक्स के थ्रू पता चल रहा है अभी बहुत ही जल्द आने वाला है रेडमी 12 सीरीज फोन को लॉन्च किया जाएगा ग्लोबली। ग्लोबली लॉन्च होने के बाद इंडिया में आएगा। इसका कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स लीक्स के थ्रू पता चला है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 12 सीरीज में क्या कुछ देखने को मिलेगा, 12 प्रो फोन में क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमीरुद्दीन और आप देख रहे हैं टेक निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं रेडमी नोट 12 प्रो फोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स क्या कुछ होने वाला है इसमें। तो पहले इसका डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। नॉच नहीं होने वाला, छोटा सा 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो इसमें मीडियाटेक का 5G पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जो मीडियाटेक का प्रोसेसर हाल ही में लॉन्च हुआ है रियलमी का फोन में दिया गया है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 ऑक्टोकोर प्रोसेसर, वही प्रोसेसर के साथ आएगा रेडमी नोट 12 प्रो फोन। इसमें आपको कैमरा बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होने वाला है। ये वर्ल्ड का सबसे पहले इसी फोन में दिया जाएगा, ऐसे लीक्स का थ्रू पता चल रहा है। सबसे पहले इसी फोन में दिया जाएगा 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। जो सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का दिया जाएगा और जो थर्ड कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का दिया जाएगा। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। जो सेल्फी कैमरा होगा इसमें हो सकता है 32 मेगापिक्सल का दिया जाए, तो मुझे ज़्यादातर लगता है इसमें 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, या फिर हो सकता है 32 मेगापिक्सल का दिया जाए। लीक्स का थ्रू पता चल रहा है इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग का बात करें तो इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग रियर कैमरा में देखने को मिल जाएगा और सेल्फी कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें काफ़ी बढ़िया कैमरा होने वाला है, काफ़ी बढ़िया सेंसर के साथ आएगा। बैटरी का बात करें तो इसमें 5200 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और साथ में इसमें 120 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। जो रियलमी का हाल ही में लॉन्च हुआ रेडमी का फ़ोन में रेडमी मी 11 आई फोन में जो दिया गया हाइपर चार्जिंग, वही चार्जर इसमें दिया जाएगा 120 वाट का। ये चार्जर काफ़ी बड़ा, काफ़ी बढ़िया होने वाला है और ये फ़ोन 5G के साथ आएगा। इसका डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इसमें इसका बैक में ग्लास डिज़ाइन होने वाला है, ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको काफ़ी अच्छा बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, काफ़ी नया डिज़ाइन होने वाला है, यूनिक डिज़ाइन के साथ आएगा, इसीलिए इसका जरूर पता चल रहा है। इसमें एंड्रॉयड 12 ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और MIUI 13 या फिर हो सकता है MIUI 14 भी देखने को मिल जाए। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया होने वाला है। देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। जो स्पेसिफिकेशन बताए हो अगर वही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा तो ये काफ़ी बढ़िया शानदार एक स्मार्टफोन होगा। इसका प्राइस का बात करें तो इसका प्राइस तो पता नहीं, लिक्स का थ्रू पता चल रहा है। इसका प्राइस होने वाला है 24,999 रुपीज़ से स्टार्टिंग होगा। जो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा और जो सेकेंडरी जो वेरियंट होगा, जो हायर वेरियंट होगा 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। इसका प्राइस होने वाला है 26,999 रुपीज़ पर आएगा। तो मुझे वो जहाँ तक लगता है इसी प्राइस पर आएगा या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन जो दिया है काफ़ी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये जो फ़ोन का डिटेल्स बताऊँगे रेडमी नोट 12 प्रो या फिर प्रो प्लस फ़ोन में हो सकता है या फिर मैक्स फ़ोन में हो सकता है। ये रेडमी नोट 12 प्रो फोन में नहीं देखने को नहीं मिलेगा, 12 प्रो मैक्स होगा, मैक्स फोन में देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है प्रो फोन में भी दिया जाए, लेकिन 12 सीरीज फोन में जो 12 होगा 12 में देखने को नहीं मिलेगा। 12S 12 टीम फोन में देखने को नहीं मिलेगा। ये फ़ोन 12 का जो बढ़िया वेरियंट होगा, सबसे हायर वेरियंट, उसी वेरियंट पर देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों वीडियो की यहाँ पर खत्म करता हूँ। आपको क्या लगता है इसी स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा रेडमी नोट 12 प्रो फोन या फिर इससे कुछ डिफरेंट होने वाला है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग वेट कर रहे हैं रेडमी नोट 12 फोन के लिए। तो बस दोस्तों वीडियो की यहाँ पर खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, हो सके तो अपना टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों वीडियो की यहाँ पर खत्म करता हूँ, मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।